लास्ट टाइम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर 13 आवर इंडस्ट्रीज, और उसको कंटिन्यू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग अटेंडेंस पहले बना लें अपना, सभी लोग अपना अपना अटेंडेंस मैसेज बॉक्स में जाके बनाएं, उसके बाद हम लोग आगे इस चैप्टर को पढ़ते हैं। आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था इंडस्ट्री बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल्स के आधार पर टू कैटेगरी में या टू टाइप में बांटा गया है इंडस्ट्री को, जिसमें एक था एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री और दूसरा था मिनरल वेस्ट। एग्रो वेस्ट मैंने आपको बताया कि एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री को कहते हैं जिसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, और मिनरल वेस्ट जिसमें मिनरल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। दूसरा जो टाइप था वो था इंडस्ट्री बेस्ड ऑन साइज के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू साइज देर आर 3 टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, और कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लास्ट वन इज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्री की बात मैंने की थी, मैंने आपको बताया था कि कॉटेज इंडस्ट्री जो होता है वह सबसे छोटा फॉर्म है इंडस्ट्री का। कॉटेज इंडस्ट्री फर्स्ट जो है कॉटेज इंडस्ट्री, इसके बारे में चर्चा हुई थी कल। मैंने आपको बताया था कि कॉटेज इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जिसको छोटे से जगह में शुरू किया जा सकता है, बहुत फ्यू वर्कर्स के साथ शुरू किया जा सकता है, और इसके लिए जो है कैपिटल यानी पूंजी जो है वो पूंजी जो है वो बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो ये सबसे छोटा फॉर्म है अकॉर्डिंग टू साइज इंडस्ट्री का, कि 3 फॉर्म है जिसमें ये सबसे छोटा फॉर्म है कॉटेज इंडस्ट्री, है ना, जिसमें इस प्रकार की इंडस्ट्री में क्लॉथ वीविंग कपड़े की बुनाई का काम, कारपेट मेकिंग का काम और शॉल वीविंग इत्यादि का वर्क होता है इस टाइप की इंडस्ट्री में, जिसको कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। सेकेंड जो फॉर्म है वो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब यह जो है कॉटेज इंडस्ट्री से बड़ा होता है, वर्कर्स की संख्या कंपेयर टू कॉटेज इंडस्ट्री ज़्यादा होती है, ज़्यादा वर्कर इसमें होते हैं और कैपिटल भी ज़्यादा इन्वेस्ट करना होता है, है ना, ठीक है। और इस प्रकार के इंडस्ट्री में क्या बनाए जाते हैं, हॉजरी गुड्स, हॉजरी आइटम बनाए जाते हैं, है ना। उसके बाद यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं, बर्तन का काम होता है, फर्नीचर का काम होता है, है ना। छोटे पैमाने पे बिस्किट इंडस्ट्री भी कह सकते हैं, बिस्किट बनाने का काम भी होता है इसमें, इस प्रकार के इंडस्ट्री में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, ठीक है। टॉय बनाने का काम भी होता है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो कॉटेज इंडस्ट्री से बड़ा होता है, उसमें वर्कर की संख्या कंपेयर टू कॉटेज इंडस्ट्री ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं, कैपिटल भी ज़्यादा इन्वेस्ट करने होते हैं, ज़्यादा पूंजी लगानी होती है, है ना। और मशीनें जो हैं, छोटी मशीनें लगाई जाती है इसमें प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। हॉजरी गुड्स, यूटेंसिल्स, फर्नीचर, टॉय मेकिंग, बिस्किट्स इत्यादि का प्रोडक्शन इस टाइप की फैक्ट्री में किया जाता है, इस टाइप की इंडस्ट्रीज में किया जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अभी मैंने आपको कल कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में बताया था, अभी मैंने आपको बताया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सबसे जो बड़ा फॉर्म है इंडस्ट्री का वो है लार्ज स्केल।
लार्ज स्केल इंडस्ट्री में कंपेयर टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक बड़ी कैपिटल की आवश्यकता होती है, यह मैंने आपको बताया था थोड़ा सा लास्ट में कल। वर्कर्स जो है थाउजेंड्स वर्कर्स लगभग काम करते हैं, मशीनें बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती है और प्रोडक्शन भी लार्ज होता है, मास प्रोडक्शन होता है, ठीक है, बड़ी बड़ी चीज़ों का उत्पादन किया जाता है, गुड्स का उत्पादन किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है ना लार्ज स्केल इंडस्ट्री में। इस तरह की आयरन एंड स्टील प्लांट, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर प्लांट, सीमेंट इंडस्ट्रीज, रेलवे कोचेज, रेलवे इंजन्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब आपने तीनों इंडस्ट्री में देख लिया क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है। कॉटेज इंडस्ट्री एक छोटे से घर में भी शुरू किया जा सकता है, दो चार वर्कर के साथ भी शुरू किया जा सकता है, उसके लिए कम कैपिटल की जरूरत पड़ती है, पैसे कैपिटल यानी पैसे की जरूरत पड़ती है, कम पैसे की जरूरत पड़ती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री शुरू करनी है तो उसके लिए उससे ज़्यादा कंपेयर टू कॉटेज इंडस्ट्री ज़्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ती है, वर्कर्स भी ज़्यादा होते हैं, छोटी छोटी मशीनें लगाई जाती है ना, मशीनों की संख्या जो है कॉटेज इंडस्ट्री के मुकाबले ज़्यादा होती है। और लार्ज स्केल की जब हम बात करते हैं तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में मशीनें बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती हैं, बहुत बड़े लैंड एरिया की जरूरत पड़ती है ना, जहाँ पे फैक्ट्री को सेटअप किया जाए इसके लिए बड़े भूभाग की आवश्यकता पड़ती है, ज़मीन की आवश्यकता पड़ती है और बहुत सारे वर्कर्स इसमें काम करते हैं और मशीनें भी बड़ी बड़ी होती है और इन सबको सेटअप करने के लिए, इस टाइप की इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए एक बड़े कैपिटल की पूंजी की जरूरत पड़ती है, पूंजी यानी मनी, कैपिटल यानी मनी की आवश्यकता होती है ना, ठीक है। भारत की इंडस्ट्रीज की बात अगर हम करते हैं, इंडस्ट्रीज इन इंडिया, तो इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के बाद इंडस्ट्री के क्षेत्र में हमारे देश ने काफ़ी तरक्की की है ना, कई सारे फैक्ट्रीज, कई सारे इंडस्ट्री स्थापित किए गए हैं भारत में, है ना, जिसमें कुछ प्रमुख इंडस्ट्री आते हैं जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, एग्रो फूड इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, एरोनॉटिकल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज एंड मेनी अदर इंडस्ट्रीज। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री का एग्जांपल है, इस तरह की इंडस्ट्री लार्ज स्केल इंडस्ट्री के कैटेगरी में आती है। इट इज द लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया, कॉटन टेक्सटाइल मिल्स आर स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, कॉटन टेक्सटाइल मिल्स जहाँ से कॉटन के कपड़े बनाए जाते हैं, सूती कपड़े तैयार किए जाते हैं, यह इंडस्ट्री बड़े पैमाने पे भारत में फैली हुई है, लगभग पूरे देश में फैली हुई है, मुंबई, सोलापुर, पुणे, नागपुर, अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, लखनऊ, चेन्नई, कोयम्बटूर एंड मदुरई आर द इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। लीडिंग इंडस्ट्री की अगर बात करें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तो वो मुंबई और अहमदाबाद का नाम आता है, उसके बाद और भी कई सारे सिटी है जिसकी बात मैंने की ना, जिसमें सोलापुर महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र में है, नागपुर ये भी महाराष्ट्र में है ना, उसके बाद गुजरात में अहमदाबाद, सूरत और बड़ोदरा ये गुजरात का क्षेत्र है, गुजरात के सिटीज हैं, लखनऊ उत्तर प्रदेश का कैपिटल यूनो, चेन्नई तमिलनाडु और कोयम्बटूर तमिलनाडु, मदुराई तमिलनाडु, ये जो है प्रमुख सेंटर है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, जिसमें कॉटन से कपड़े तैयार किए जाते हैं और बड़े पैमाने पे काम होता है, मास प्रोडक्शन होता है, लार्ज क्वांटिटी प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन जो होता है वो लार्ज क्वांटिटी में होता है, बड़ी संख्या में होता है ना, बहुत सारे वर्कर्स इसमें काम करते हैं, ठीक है, बहुत सारे रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होता है, बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं इन सारी इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में। दूसरी जो आपकी इंडस्ट्री है जूट टेक्सटाइल, जूट जिसका उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा जो है वो वेस्ट बंगाल में होता है, और इसकी जो इंडस्ट्री है
यह वेस्ट बंगाल के अलावा ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और असम जैसे राज्यों में अवस्थित है। जूट का इस्तेमाल होता है गनी बैग्स बनाने के लिए। गनी बैग जिसमें सामान पैक किया जाता है, जिसको हम लोग ऐसे घोड़ा कहते हैं, है ना, पटुए से जूट से बना हुआ, जिसमें बेसिकली जो है आप देखते होंगे आलू का की पैकिंग की जाती है ना, आलू प्याज वगैरह इसमें पैकिंग की जाती है, तो इसको गनी बैग्स कहा जाता है। कारपेट भी बनाए जाते हैं इससे, लिनन बनाया जाता है। इस तरह की चीज़ें जो है जूट के इस्तेमाल से बनाई जाती है, और इसके लिए यह प्रोसेसिंग जो है जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है। ऐसी इंडस्ट्री जिसमें जूट के उपयोग से चीज़ें तैयार की जाए, गुड्स तैयार किए जाए, इस इंडस्ट्री को जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। और इसके प्रमुख सेंटर है वेस्ट बंगाल। मैंने आपको बताया कि वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है जूट का, तो वेस्ट बंगाल नंबर वन पे आता है। उसके बाद उड़ीसा भी है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना और असम जैसे स्टेट्स इसमें आते हैं, जहाँ पे यह जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। कोलकाता और उसके आसपास लगभग 100 से ज़्यादा जूट मिल्स हैं, ठीक है। अब किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, और रॉ मटेरियल ऐसे ही एरिया में इंडस्ट्री लगाई जाती है जहाँ रॉ मटेरियल आसानी से उपलब्ध हो जाए, है ना। तो इस चीज़ का इंडस्ट्री लगाने के लिए इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है सर्वप्रथम कि रॉ मटेरियल आसानी से उपलब्ध हो जाए, ऐसे एरिया में ही लोग इंडस्ट्री लगाते हैं, या गवर्नमेंट लगाती है या पब्लिक प्राइवेट इंडस्ट्री होती है, वो इस प्रकार लोग पहले उसको मुआयना करते हैं क्षेत्र का कि रॉ मटेरियल आसानी से अगर उपलब्ध हो जाता है तो इंडस्ट्री की स्थापना करते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल सबसे पहले ज़रूरी है ना। उसके बाद मशीन्स जो इम्पोर्टेंट जो आवश्यकताएँ हैं एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए, उसमें क्या क्या होता है, रॉ मटेरियल, मशीन्स, है ना, वाटर की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, है ना, और साथ ही साथ वर्कर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है एक इंडस्ट्री को रन कराने के लिए, चलाने के लिए। तो इसका ध्यान रखा जाता है कि रॉ मटेरियल आसानी से उपलब्ध जहाँ हो उस एरिया में इंडस्ट्री लगाई जाती है, ठीक है। तो चूंकि जूट जो है वो वेस्ट बंगाल में जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तो वेस्ट बंगाल में ये जूट मिल्स की फैक्ट्री सबसे ज़्यादा है। जूट मिल्स जो है वो सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में, कोलकाता और उसके आसपास बताया जा रहा है कि 100 के आसपास, मोर देन 100 जूट मिल्स हैं। थर्ड जो इंडस्ट्री है शुगर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री जहाँ से चीनी का उत्पादन होता है, चीनी तैयार किया जाता है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ शुगर मिल्स इन इंडिया, इंडिया स्टैंड्स सेकंड इन द वर्ल्ड। चीनी के उत्पादन में भारत का संसार में दूसरा स्थान आता है ना, और यह शुगर केन से तैयार किया जाता है, गन्ने से तैयार किया जाता है चीनी इंडस्ट्री में, है ना, रॉ मटेरियल के रूप में शुगर केन का इस्तेमाल किया जाता है। शुगर, खंडसरी एंड जागरी आर द प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम शुगर केन, ठीक है। चीनी के अलावा गुड़ तैयार किए जाते हैं शुगर केन से प्रोसेसिंग के बाद, ठीक है। मोर देन 50% ऑफ द कंट्रीज शुगर इज प्रोड्यूस्ड इन महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। जो चीनी का जो उत्पादन है देश में उसमें 50% जो है उत्पादन हुआ महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में होता है। मोर देन 50% ऑफ द कंट्रीज शुगर इज प्रोड्यूस्ड इन महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। ये दो राज्य ऐसे हैं जहाँ पे जो है चीनी का उत्पादन लगभग 50% उत्पादन इन्हीं दो राज्यों में होता है, ठीक है।
तो सुगर केन से चीनी तैयार की जाती है, गुड़ तैयार किया जाता है ना, जैगरी तैयार किए जाते हैं। द नेक्स्ट इंडस्ट्री इज एग्रो फूड इंडस्ट्रीज। दे रिफर टू फूड आइटम्स मेड फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। अभी एग्रो हमने शुरू में बात की थी, एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज की बात की थी, तो एग्रो फूड इंडस्ट्रीज फूड आइटम्स तैयार किए जाते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स से, जैसे कि फ्रूट जूस, सॉस एंड केचप, फ्रूट जैम, जेली, पिकल्स एक्सेट्रा। दीज इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। इन राज्यों में एग्रो फूड इंडस्ट्रीज है ना, जो बड़े पैमाने पे काम करती है, बड़े पैमाने पे यहाँ उत्पादन होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है रॉ मटेरियल के रूप में, और इससे कई सारी चीज़ें तैयार की जाती है, जैसे फ्रूट जूस, सॉस, केचप, फ्रूट जैम है ना, जेली, पिकल्स इत्यादि। नेक्स्ट इंडस्ट्री है पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री, दिस इंडस्ट्री इज मोर देन 100 इयर्स ओल्ड। इसका इतिहास 100 साल से भी अधिक का पुराना है, इसका इतिहास है। न्यूज प्रिंट इज द पेपर रिक्वायर्ड फॉर न्यूज पेपर्स। द नेशनल न्यूज प्रिंट्स नेपा नगर इन मध्य प्रदेश वॉज द फर्स्ट सच प्लांट। पहला जो प्लांट लगाया गया पेपर इंडस्ट्री के रूप में, पेपर का जो प्लांट लगाया गया वो नेपा नगर, जो कि मध्य प्रदेश में अवस्थित है। वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र आर द लीडिंग स्टेट्स इन पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री के मामले में वेस्ट बंगाल के अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जो है लीडिंग स्टेट्स हैं। अगली जो इंडस्ट्री है, जो अगला इंडस्ट्री है वो है एरोनॉटिकल इंडस्ट्री। इंडिया मैन्युफैक्चर्स एयरक्राफ्ट लाइक HAL तेजस, HAL किरान, सुखोई 30, MKI नलसारस एक्सेट्रा। इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ दिस इंडस्ट्री आर बेंगलुरु। एरोनॉटिकल इंडस्ट्री जो है विशेषतः बेंगलुरु, कानपुर, नासिक और हैदराबाद में लगाए गए हैं, और यहाँ पे एयरक्राफ्ट और उसके पार्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं यानी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट जो इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैज मेड ग्रेट प्रोग्रेस इन इंडिया। कार्स, जीप्स, ट्रक्स, थ्री व्हीलर्स, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स etc. आर मैन्युफैक्चर्ड बाय डिफरेंट कंपनीज इन इंडिया। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहा जाता है जिसमें गाड़ियां तैयार की जाती है ना, गाड़ियों को बनाने की जो इंडस्ट्री है उसको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहते हैं हम लोग, कहा जाता है उसको, जिसमें जीप, कार, ट्रक्स, थ्री व्हीलर्स, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल इत्यादि इस तरह की इंडस्ट्री में तैयार किए जाते हैं है ना। अलग अलग कंपनीज हैं इनकी। इन इंडिया ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज आर लोकेटेड इन मुंबई, कोलकाता, गुरुग्राम, चेन्नई, जमशेदपुर एंड जबलपुर। अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में फैक्ट्रीज अवस्थित है जो अलग अलग प्रकार की गाड़ियाँ बनाती है। जैसे अगर बात करें मारुति की बात करें तो गुरुग्राम में इंडस्ट्री है मारुति की है ना, थ्री व्हीलर की भी इंडस्ट्री है, मोटरसाइकिल की इंडस्ट्री है,
यहाँ पे मोटरसाइकिल तैयार किए जाते हैं, मुंबई में लोकेटेड है इंडस्ट्री। उसके अलावा कोलकाता चेन्नई में भी है, जमशेदपुर झारखंड में और जबलपुर मध्य प्रदेश में। इस प्रकार की इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जहाँ गाड़ियाँ और उनके पार्ट्स, गाड़ियों के पार्ट्स तैयार किए जाते हैं और उनको असेंबल किया जाता है, है ना। और जो गाड़ियाँ जो तैयार होती है, मान लीजिए कार, तो वो एक कंपनी में या एक इंडस्ट्री में जो है उसके सारे पार्ट्स तैयार नहीं किए जाते, अलग अलग इंडस्ट्री में पार्ट्स तैयार किए जाते हैं, फिर उसको असेंबल किया जाता है, ठीक है। डीजल इंजन आर प्रोड्यूस्ड एट वाराणसी इन उत्तर प्रदेश एंड इलेक्ट्रिकल इंजन एट चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स इन वेस्ट बंगाल। रेलवे कोचेज आर मैन्युफैक्चर्ड एट पेरम्बूर नियर चेन्नई। रेलवे कोच, रेलवे के जो डब्बे बनाए जाते हैं, ट्रेन के डब्बे, वो उसकी फैक्ट्री जो है पेरम्बूर में है, चेन्नई के नज़दीक पेरम्बूर है तमिलनाडु में। यहाँ पे रेलवे कोच मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, यानी रेल के डिब्बे तैयार किए जाते हैं, है ना। न्यू रेल कोच फैक्ट्री हैज बीन सेट अप एट कपूरथला इन पंजाब। पंजाब के कपूरथला में रेल कोच की फैक्ट्री एस्टैब्लिश की गई है, बनाई गई है, है ना। शिप्स आर बिल्ट एट विशाखापट्टनम कोची कोलकाता गोवा एंड मुंबई। जहाजों को बनाने का काम विशाखापट्टनम में, कोची में, कोलकाता गोवा और मुंबई में होता है, यानी इसकी फैक्ट्री जो है वह इन सिटीज में अवस्थित है। डीजल इंजन बनाने का काम वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में होता है और इलेक्ट्रिकल इंजन बनाने का काम चितरंजन, वेस्ट बंगाल के चितरंजन में होता है। इस तरह की इंडस्ट्री जो है वह डीजल इंजन बनाने की इंडस्ट्री वाराणसी में है और इलेक्ट्रिकल इंजन, जो गाड़ियाँ जो चलती है, ट्रेन जो चलती है, वो डीजल से चलती है और इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, तो अलग अलग इंजन होते हैं इसके, है ना। तो डीजल इंजन जो वाराणसी में तैयार किया जाता है और इलेक्ट्रिकल इंजन जो चितरंजन, जो कि वेस्ट बंगाल में है, वहाँ पर तैयार किया जाता है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने कई सारे इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा, बात की, है ना। सबसे पहले तो हम लोगों ने आज के क्लास में पढ़ा थ्री टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज में, कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया। सबसे पहले कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फिर जूट टेक्सटाइल, शुगर इंडस्ट्री, एग्रो फूड इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, एरोनॉटिकल इंडस्ट्री और लास्ट हम लोगों ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा। और भी कई सारी इंडस्ट्रीज हैं इंडिया के, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।